पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें कॉल हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन, लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाय ट्रेन, क्योंकि हम बाय ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए हम, तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, अब जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। एमबीसी हमारी कॉल नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो सब प्लीज, जो भी इंडियंस देख रहे हैं, प्लीज हेल्प करें। आप यहाँ देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे इंडियंस हैं, और पूरी की पूरी ट्रेन जो है इंडियंस से भरी हुई है। इधर पे भी आप देख सकते हैं, तो सोनू सर की टीम ने हमें पल पल गाइड किया, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो रात रात भर जग करके हमारी मदद कर रहे थे। और मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सोनू सर का, जो उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसकी वजह से हम, मतलब हमें, हमारे अंदर उत्साह आ रहा और हमने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं खोई। थैंक यू सो मच सर। यार एंट्री नहीं दे रहे, अंदर गए थे भी, उन लोगों को भी वापस भेज दिया। अपने जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके टच में रहिए, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके टच में हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमिशन मिले, कैसे आप लोग सेफली अपने घर में आ पाए। सोनू सर की टीम ने हमें पल पल गाइड किया, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो रात रात भर जग करके हमारी मदद कर रहे थे। बता सकते एक बार तो प्लीज, एक बार बताए, बिकॉज दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। यहाँ पे यूक्रेन में सिचुएशंस बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है, ईस्टर्न सिटीज से लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे वेस्ट में अटके हुए हैं। नो वन इज़ हेल्पिंग अस आउट, कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट दिखा रही है कि इंडियन एम्बेसीज यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपनिंग, नोबडी इज़ हेल्पिंग अस। यहाँ पे हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पे अटके हुए हैं किसी एक जगह पे, वहाँ से हम लोग जा नहीं पा रहे बॉर्डर्स पर। इवन बॉर्डर्स पर लोगों को मारा जा रहा है इंडिया के साथ, मतलब इंडियंस के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। इफ़ समबडी इज़ एबल टू जस्ट हेल्प अस आउट, प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट से प्लीज़ रिक्वेस्ट करो कि यहाँ से ईस्टर्न जो सिटीज़ है वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज वहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है। Not everybody can just have the courage और वहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि वहाँ पर bombardments हो रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा attacks हो रहे हैं, हम लोग को just bunker में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से निकलना पड़ता है, फिर bunker में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से निकलना पड़ता है। Nothing is easy here,
अगर आप लोग ये कह रहे हो कि आप लोग इंडिया क्यों नहीं आ जाते, यहाँ पे गवर्नमेंट सबको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है यहाँ पे हम लोग को। यहाँ पे जो वेस्ट बॉर्डर पे जो लोग हैं, जो लोग पोलैंड के पास है या जो लोग किसी और कंट्री के पास वाले बॉर्डर्स पे, सिर्फ उन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है बिकॉज, और उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो लोग सब बहुत खुश है क्योंकि वो लोग वेस्ट बॉर्डर्स पे है, उनको कुछ भी हार्म नहीं है। जो लोग रशिया के बॉर्डर्स पे, एक बार प्लीज़ उनसे जाके पूछे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल। प्लीज़ जस्ट आस्क समबडी इफ दे कैन हेल्प अस आउट, इफ समबडी नो। भारत माता की जय।